नंबर एक बात तो है, जो भाई सड़क पे खड़े हैं सड़क खाली कर दें, जो भाई सड़क पे खड़े हैं वो सड़क खाली कर दें। दूसरी चीज, हमारा सड़क रोकने का, रास्ता रोकने का प्रोग्राम नहीं है। हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, हम दिल्ली जाएंगे, रास्ते में पुलिस रोकेगी, बैरिकेड लगाएगी, हम उनके बैरिकेड तोड़ेंगे। उसके अलावा हमारी कुछ और बेनतियां हैं। हमारी तरफ से चाहे पुलिस गोली मार दे, हमारा कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा, समझ गए ना एक बार में। अगर किसी आदमी ने हाथ उठाया, हम उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। इसका मतलब वो आदमी हमारा नहीं है। पीछे जितने आंदोलन हुए, जहां हमने हाथ उठाया वहां आंदोलन टूट गया। आज एक आदमी के गुस्से से अगर ये हजारों लोगों का पेट पे लात लगे, वो बहुत गलत होगा। इस देखो, किसी को डंडा पड़ता है, गुस्सा आता है, लेकिन कंट्रोल करना है। हमने पिटना है, हमने गाली नहीं देनी, हमने किसी का वर्दी नहीं पकड़नी, हमने कोई तोड़फोड़, कोई आगजनी नहीं करनी। कोई नजदीक से गुजरता है उसको घूरना नहीं है। पब्लिक हमने अपने खिलाफ नहीं करनी, पब्लिक हमने अपने खिलाफ नहीं करनी, ध्यान रखना इस बात का। और भाई, कोई भाई मेरे को नहीं पता यहाँ कौन था, कोई भाई यहाँ भिंडरा वाले के बारे में कुछ बोल रहा था। मेरी बेनती है कि हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, बाकी यहाँ पे कोई बात ना की जाए, बाकी यहाँ पे कोई बात ना की जाए। हमें सब धर्म हमारे लिए बराबर है, सब जातियां हमारे लिए बराबर है, सब कौमें हमारे लिए बराबर है, सारे वर्ग हमारे लिए बराबर है। कोई भाई, देखिए, कोई वर्ग के ज्यादा लोग हो सकते हैं, किसी वर्ग के कम लोग हो सकते हैं, किसी जाति के ज्यादा लोग हो सकते हैं, किसी जाति के कम लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई देश को बचाने की है। पूरे देश का जो खेती का कारोबार है वो चंद पूंजीपतियों को दे रहे हैं, और सारा हमारा रोजगार है खेती, हमारा बिजनेस नहीं है खेती, हमारा रोजगार छिन रहा है। हमें अपना रोजगार बचाना है। जिन 60% लोगों का रोजगार है, खेती करने वाले, खेती से जुड़े व्यापारी, खेती से जुड़े आढ़ती, खेती से जुड़े पेस्टिसाइड वाले, खाद वाले लोग, खेती से जुड़े मजदूर, खेती से जो भी खेती से संबंधित है, उन सब का कारोबार, जिनका पेट खेती से चल रहा है, उनका रोजगार छिन रहा है, और रोजगार हमारे पास करने के लिए है नहीं। जहां भी ये बैरिकेड लगाएंगे लोहे वाले, हम इनके लोहे वाले बैरिकेड, हमारे पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टरों से तोड़ेंगे, उठा के पटकेंगे। ठीक बात है। अगर ये आदमियों का बैरिकेड लगाते हैं, आदमियों से रोकते हैं, हमने धक्का मुक्की हिसाब से करनी है। और जहां जरूरत पड़े, ऐसी जरूरतें आती हैं, जहां जरूरत पड़े हमने लेट जाना है, और लेट के पुलिस वाले के पैर पकड़ लेने हैं, फिर चाहे पुलिस वाला गिर जाए, फिर हम दोषी नहीं है। हमने लिट जाना है, लेट के इनके बैरियर तोड़ेंगे, और लेटे हुए को कभी लाठी नहीं मारते ये लोग। कानून नहीं है, कानून नहीं है लेटे हुए को लाठी मारने का, बैठे हुए को लाठी मारने का, लेटे हुए को फुहारा मारने का कोई कानून नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी मर्जी है, जैसे इस सरकार के जैसे आदेश है वैसे इनको करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे परिवारों से है, इनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा केवल सरकार से है, केवल सरकार की नीतियों से है, और वो हम